एक फैमिली के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि उनके घर से उनका एक बेटा चला गया, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी खराब हो की हुई पड़ी है इस टाइम पे। सोचो बाइक्स को लोग छपरी का नाम देने लग गए हैं भाई, ऐसी चीज़ें होने लग गई है कि अब बाइक्स भी छपरी होने लग गई है। अरे कंटेंट बनाना है, कंटेंट एक्चुअल में बनाओ ना यार, लड़की पुलिस, लड़की पुलिस, लड़की पुलिस, दो तीन चीज़ों के नाम पे भाई लोग व्यूज़ लपेट रहे लपेट रहे लपेट रहे। ठीक है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बाइक सीज कर दी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लड़की ने ऐसा कर दिया, लड़की ने वैसा कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा डेफिनेटली। आज इस वीडियो की मदद से ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। और ये बेसिकली आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा है ना, कि आज की जो हमारी ये वीडियो है ये किस बारे में होने वाली है। सो बेसिकली यार इट्स वेरी बैड टू हियर दैट कि हमारे बीच में जो एक हमारे राइडर थे, राइडर कम्युनिटी से प्रो राइडर 1000 जो ब्रदर हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। और ये बहुत 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 ज़्यादा मतलब दिल को दुखाने वाली चीज़ थी। एंड सीरियसली एक फैमिली के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि उनके घर से उनका एक बेटा चला गया। सो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है यार, और बहुत समझने वाली बात है गाइज। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ये वीडियो किसी भी चीज़ को लेके हेट फैलाने के लिए नहीं है, किसी भी पॉइंट पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें समझने के लिए हैं कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। और इसमें ये बेसिकली देखो, मालूम सबको होता है कि एक्सीडेंट हो क्यों रहे, एक्सीडेंट होने के मेन रीज़न क्या होते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ रोड एक्सीडेंट पे वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, ये बात तो आप समझ लो। सो मैं काफ़ी टाइम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब देखा, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कोई दिखा रहा है कि सच सामने आ गया है, कोई दिखा रहा है कि झूठ सामने आ गया है, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है वो हो गया। मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आई कि यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जिससे आज हर कोई आहत है, हर किसी के दिल में इस बात की तकलीफ़ पहुंची है, डेफिनेटली वो ना नहीं होती अगर कुछ बातों का जो है हम राइडर्स जो हैं वो ध्यान रखें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आयुष वर्मा की वीडियो एक सामने आई, एंड लिटरली मुझे ना वो यूट्यूबर बहुत पसंद है यार। आयुष वर्मा की मैंने एक आदत देखी है, वो जब भी अपनी बाइक को हाई स्पीड टेस्ट करता है ना, तो वो अपना लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है ठीक है, हमेशा बंदा उस पर जाता है कि वहाँ जाने के बाद में प्रॉपर गियर अप होता है, हर तरफ नज़र होती है, प्रॉपर खाली हाईवे होता है, वहाँ पे वो स्पीड अप करता है। दूसरी बात ये कि मैंने उसको कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नहीं देखा, बहुत अच्छा इंसान है लिटरली। एंड इसके अलावा मैं जे एस पाजी की बात करूं, सो जे एस पाजी को भी मैंने, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, मैंने आज तक कभी उनको ओवर स्पीड करते हुए नहीं देखा, मैंने आज तक उनको कभी मतलब वो एक होता है ना कि इधर उधर भगाना, टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाना, मैंने आज तक उनको नहीं देखा। बहुत डिसेंट बाइक चलाते हैं, बहुत मतलब कि वो लेजेंड है यार सीरियसली। इसके बाद एमएसके ब्रदर को मैंने देखा है, एमएसके भाई मैं उनकी वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, इन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ सीरियसली। मैंने आज तक उनको सिर्फ राइड करते हुए देखा है, एंड उस इंसान को मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो ज़बरदस्ती अपने बाइक्स को ना भगा रहे होंगे ठीक। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जट प्रभजोत भाई को भी मैंने देखा है, उनको भी मैंने कभी ओवर स्पीडिंग करते हुए नहीं देखा आज तक, बट जो ओवर स्पीडिंग उन्होंने की थी ठीक है, और यू ऑल नो कि उनके साथ में एक दुर्घटना उनके साथ भी हो चुकी है, और वो अपनी लाइफ मतलब वो सोचो वो उनको दूसरी ज़िंदगी मिली है। सो इसके अलावा मैं मोटो जूमर को फॉलो करता हूँ, मोटो जूमर एक चैनल है, मतलब सीरियसली यार ये वो लोग हैं जिनको मैंने मतलब यूट्यूब पे स्टार्टिंग से फॉलो किया, इनको मैं हमेशा देखता आया हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा है मोटो व्लॉगिंग के बारे में। मुंबई का निखिल हो गया, मतलब कि आपको राइड करना है, अपनी बाइक्स पे बातें करनी है, मोटो व्लॉगिंग का मतलब एक्चुअल में ये होता है। बट सीरियसली मैंने कभी आज तक मैं ऐसे किसी भी यूट्यूबर को पसंद नहीं करता, इवन कि मैं हर बार डिसलाइक का बटन दबा देता हूँ, बट मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहूँगा कि किन किन यूट्यूबर्स की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। बट सीरियसली
इसलिए मुझे उनके चलाने का, बाइक चलाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और प्लीज़ गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी भी यूट्यूबर से ना इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। आप सोचो, आप ट्रैफिक लाइट में जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट में आप बाइक को zigzag करके भगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे स्पीड लिमिट दी गई है। इवन पता है, एक मैंने अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें रश राइडर और स्पीड राइडर में ना फ़र्क होता है। स्पीड राइडर आपको सामने खाली दिख रही है रोड, मैंने इसको बाइक को हल्का सा स्ट्रेच किया, मेरे को सामने में दिखा कि भाई अब मेरे को स्टॉप करना चाहिए क्योंकि आगे ट्रैफिक है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बीच से कट मार के निकल जाऊँ। तो ये ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, सीरियसली स्पीड करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो, अगर आप स्पीड करना चाहते हो, आपके पास सुपर बाइक है, नो डाउट यार, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बाइक खरीदी है बहुत कम लोगों के पास है, बहुत नए बच्चे देखते हैं, नए लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल पे उतर जाती है उसकी आवाज़, उसका डिज़ाइन, उसकी जो प्रेजेंस होती है, हर एक चीज़। आपने इतना पैसा लगाया होता है, ठीक है, बट क्या ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैसा? ठीक है, ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वो थ्रिल? अगर आपको ना, मैं एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा MotoGP जो राइडर्स होते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है जिस भी जगह पे आप जा रहे हो, जिस भी रोड पे आप जा रहे हो, आपको नहीं पता कि उस रोड पे अगले 100 मीटर के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा। मेरे घर के पास की रोड है, वहाँ पे मैं आपको सीरियसली बताऊँ, कई बार मतलब हमारा वहाँ से डेली आना जाना होता है, मैं एक बार 60-70 की स्पीड में आ रहा था, वहाँ पे अचानक से एक गड्ढा देखने को मिल गया मुझे। ठीक है, सोचो मेरी बाइक उसके अंदर गई है 60-70 पे, और मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया। अभी कुछ टाइम पहले एक R15 बंदा मेरे साथ में राइड कर रहा था, ठीक है, वो उस दिन मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, मैंने एक वीडियो उसके लिए अपलोड भी किया था। वो R15 वाला, सोचो मैं अपनी बाइक को 80-90 चला रहा हूँ ऑन हाईवे NH24 पे, वो मेरे साथ में 110-120 की स्पीड से निकल के गया और आगे जाके उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि आगे में कर्व कितना है, ठीक है, कितने पे लीन होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं यार। आप सोचो, आप बिना बात का अगर कहीं भी लीन करने लग जाओगे, आपको पहाड़ों पे रास्ता दिख रहा है, आपने वहाँ पे लीन मारने की कोशिश की, आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ से कौन सा बाइक वाला या फिर कौन सी कार या फिर कौन सामने जानवर आ रहा है, क्या आ रहा है, आगे रोड बिल्कुल प्लेन है, नहीं है। आपने देखा होगा जब MotoGP की राइड्स होती है ना, तो वहाँ पे बेसिकली जब रोड बनाई जाती है तो जो भी वहाँ पे राइडर जाता है सबसे पहले उस रोड को इंस्पेक्ट करता है, एक बार जाके चेक करता है कितनी दूरी पे कर्व है, कितनी दूरी पे कितना लीन है वहाँ पे, कितने की स्पीड में हम वहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। ये इंस्पेक्शन करने के बाद वो लोग रेस ट्रैक पे आते हैं, और वहाँ भी पता है उस रोड पे लीन करने के लिए कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है। जब उनको लेफ्ट साइड में लीन जाना है तो रोड हमेशा आपको ऐसी तिरछी दिखेगी वहाँ पे, जब राइट साइड में लीन करना है तो रोड आपको ऐसी तिरछी दिखेगी, जब स्पीड अप करना है तो बिल्कुल स्ट्रेट है, वहाँ पे एक खड्डा नहीं दिख सकता आपको, ठीक है, एक बंप नहीं होता। इन रोड्स पे देखो, ये हर जगह पे आपको ऐसा फील होगा कि यार अभी आपकी गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। व्हेन आप जब स्पीड अप करोगे, जब आप स्पीड करोगे, स्ट्रेच करोगे, सोचिए जरा जरा से गड्ढे ना कितना नुकसान कर सकते हैं आपको नहीं पता। तो किसी भी अनजान रास्ते पे यार बिना बात के स्पीडिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। कहीं भी लीन मत हुआ करो, कहीं भी लीन मत मारा करो, अच्छे से हेलमेट पहनो, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट पहनो, ठीक है। बाइक राइड करने का शौक़ रखो यार, सिर्फ भगाने का शौक मत रखो, और अगर भगाना भी है ना तो देख के समझ के, ताकि किसी और का नुकसान ना हो। आप हाईवेज पे जाते हो, वहाँ तेज भगाते हो, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना यार। JS पाजी ने एक बात कहते हैं कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आयुष वर्मा के मुँह से भी यही सुना है, MSK के मुँह से भी यही सुना है, ठीक है। चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर्स की बात कर लो, जिनको आज की डेट में हम इस इंडस्ट्री का लेजेंड मानते हैं, उन सभी लोगों के मुँह से मैंने यही सुना है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक थॉटल, मुझे ड्यूक 390 बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने डोमिनार परचेज की क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि भाई लाइट वेट मोटरसाइकिल है, बहुत फास्ट है, बहुत चीज़ें, मुझे ड्रैग रेस नहीं करनी है। मैं उस एक सेकंड के चक्कर में ना, मैंने लगभग अराउंड 70,000 रुपीज़ के आसपास मैं सेव कर पाया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बाइक से, ठीक है। तो आप ना ज़बरदस्ती किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, उसके जैसी राइड करने की कोशिश मत करो, आड़ा तिरछा मत चलाओ भाई, ट्रैफिक रूल फॉलो कर लो यार, आप सभी के लिए ही होता है ना। तो अगर आप ट्रैफिक रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, और उसके बाद अभी जो प्रो राइडर भाई का जो एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ओवर स्पीड नहीं कर रहे थे, आपकी नज़रों में ओवर स्पीड क्या होती है? बहुत दुख होता है यार, उनकी सच में डेथ हुई है, और इस चीज़ का ना बहुत मलाल है दिल में, और उनकी फैमिली को सोचो, उनकी फैमिली के ऊपर कितना कुछ गुजरता होगा। जब मेरे घर में मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे पता है कि क्या हालत होती है यार, एकदम ना ऐसे दिल धक सा रह जाता है कि यार वो चीज़ कभी ना हो, बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी। बट स्टिल यार, ओवर स्पीडिंग क्यों करना? अगर आप 200 जा रहे हो ना, 200 भी ओवर स्पीड है,
तीन, अगर आप 250 जा रहे हो 250 भी ओवर स्पीड है, 190 भी जा रहे हो 190 भी ओवर स्पीड है। मैं जिन राइडर्स के साथ राइड करता हूँ ना, बिलीव मी, अभिषेक भी हैं जो हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर राइडर हैं, मैंने उनको देखा है वो Z800 चला रहे थे, बट मैंने उनको कभी बाइक भगाते हुए नहीं देखा कि ज़बरदस्ती की वो बाइक भगा रहे हैं। उनको राइड करना पसंद है, उसकी आवाज़ पसंद है, थ्रॉटल खींचना पसंद है, लेकिन कभी भी बिना बात का किसी जगह पे ऐसी स्पीड करना पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं, वो आड़ी तिरछी बाइक पीछे बंदी बिठा लेंगे, ठीक है, लड़का बिठा लेंगे, उसके बाद उल्टा सीधा होकर चलने लगेंगे, उनको कोई मतलब नहीं बनता कि आगे यू टर्न है क्या नहीं है। आप नहीं जानते भाई आपको आगे क्या मिलने वाला है। सो जितना अवेयर रहोगे ना गाइज, उतना ज़्यादा सेफ रहोगे। बहुत सारे राइडर्स को मैंने ये देखा है, ये साइड मिरर ना क्यों होते हैं भाई, इसीलिए होते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए दिए गए हैं। ये पीछे से देख सको कि कौन सी चीज़ स्पीड से आ रही है, ताकि आप स्ट्रेट रहना है स्ट्रेट रहो, लेफ्ट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ो, हर एक चीज़ को देख समझ के कर पाओ। तो गाइज बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, आई नो मैं अभी बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटा हूँ, बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि यार आप ना चीज़ों को ना इस तरीके से मत प्रिवेंट किया करो। मैंने बहुत सारे राइडर्स को देखा है भाई साहब, पुलिस वालों के सामने ना भीख मांगते गिड़गिड़ाते नज़र आते हैं, एग्जॉस्ट तो सर कंपनी का है, कंपनी फिटेड है, ये है, पुलिस वालों को चूतिया समझा हुआ है यार इन लोगों ने। ठीक, बहुत सारे ऐसे राइडर्स मैंने देखे हैं, वो आप सोचो, आप लोगों को भी कई बार होता है ना कि पुलिस वाला बोलता है आप हाईवे पर नहीं जा सकते, आपने ड्रेसिंग ड्रेसअप इस तरीके का किया हुआ है, आप रेस करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है, गलती आप लोगों की है। रीज़न कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो ट्रैक सूट पहन के बोलते हो ना पुलिस वालों से, या ट्रैक सूट पहन, या फिर आपकी वीडियोस, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी है कि ट्रैक सूट पहन लिया तो इसका क्या मतलब है कि हम रेस कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रॉपर सेफ्टी करना क्या रेस करना कहलाता है, एक्चुअली में आप लोग रेस ही कर रहे होते हो यार। आप लेके जाते हो ट्रैक सूट पहनने के बाद में आपके हाथ में 40 BHP क्या आ जाती है, 44 BHP क्या आ जाती है, उसके बाद में आप तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझना शुरू कर देते हो, आपको यही नहीं दिखता कि इस हाईवे पे इस रोड पे कितने लोग और भी राइड कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं होता। और सोचो इस तरीके की जब दुर्घटनाएं होंगी एक्सप्रेसवे पे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ओवर स्पीडिंग नज़र आती है यार, आपके कैमरे पे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपकी गाड़ी 200 प्लस चल रही है। मैं सभी की बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जब पुलिस वाले पकड़ लेते तो सर हम तो ओवर स्पीड कर ही नहीं रहते, सर हम तो ऐसा कर ही नहीं रहते, सर हम तो वैसा कर ही नहीं रहते, ज़बरदस्ती का मेरा चालान काट दिया, ज़बरदस्ती की मेरी ये चीज़ें कर दी, ज़बरदस्ती का वो कर दिया। अरे भाई मत करो ना यार ऐसी चीज़ें, अच्छा थोड़ने लगता है कि आपके घर वाले परेशान होंगे, आपकी फैमिली वाली परेशान होगी, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी खराब हुई पड़ी है इस टाइम पे। सोचो बाइक्स को लोग छपरी का नाम देने लग गए हैं भाई, ऐसी चीज़ें होने लग गई है कि अब बाइक्स भी छपरी होने लग गई है। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट गाइज, ऐसा मत किया करो भाई, चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। अरे कंटेंट बनाना है, कंटेंट एक्चुअल में बनाओ ना यार, लड़की पुलिस, लड़की पुलिस, लड़की पुलिस, दो तीन चीज़ों के नाम पे भाई लोग व्यूज़ लपेट रहे, ठीक है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बाइक सीज़ कर दी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लड़की ने ऐसा कर दिया, लड़की ने वैसा कर दिया, लड़की ने ये कर दिया, लड़की ने वो कर दिया। और एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है क्या, हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम इस तरीके की वीडियोस को ना देखना पसंद करते हैं। सो गाइस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बी सिक्योर यार, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, इस हिंदुस्तान को ग्रो करने के लिए, अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए, आपकी लाइफ के बहुत सारे ड्रीम्स होंगे जिनको पूरा करना है यार। सो बिना ड्रीम्स को पूरा किए मत जाओ यार, अपनी फैमिली के सपनों को बिना पूरा किए हुए। सोचो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं हर एक इंसान के ऊपर, और पुलिस वाले ना बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सही इंसान होते हैं यार, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है। आप गलत रोड पे आ जाते हो, साइन बोर्ड, अभी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, NH 24 पे मना है, क्या कहते हैं, बाइक्स का जाना स्टिल, ठीक है, मना है, क्यों मना है ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। 70 की स्पीड में वहाँ पे अलाउ की हुई गाड़ियाँ, 100 की स्पीड, भाई ये बाइक जाती हैं, 150 भी जाती है, 100 भी चल सकती है, 120 भी चल सकती है, पता नहीं क्यों मना किया हुआ है, हम भी पूरा टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मना है तो ये तो मत बोलो ना पुलिस वालों को कि मैंने तो देखा ही नहीं सर, मुझे गूगल जैसा रास्ता दिखा रहा था, मैं वैसा चलता चला आ गया। सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, ठीक है, बट एक ही बात बोलूँगा कि सही तरीके से राइड करोगे ना फ़ायदा आपका है, सही तरीके से चलाओगे ना लोग आपको अच्छा समझेंगे यार, कि आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे राइडर थे। ये जो ऐसे ऐसे करके जो बाइक तिरछी कभी
लेफ्ट लेके चलाएंगे, कभी राइट लेके चलाएंगे। जो बीच में कट मार मार के चलाने वाले लोग हैं ना, सीरियसली मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद भाई इस तरीके के इंसान। इतने टाइम से बाइक चला रहा हूँ भाई, आज तक मेरे को बाइक चलाते हुए इवन सोचो कि मेरे पास में लाइसेंस नहीं था ना, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, बिलीव मी। आज तक पुलिस का एक बार चलान नहीं है। हाँ, एक आधा चलान होगा मेरी बाइक पे, पिछली वाली बाइक पे था, क्योंकि पीछे बैठे हुए इंसान ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था बस, और वो भी ऑफिस से घर तक का, वो चलान मैंने पे किया। इसके अलावा आज तक कोई एक ऐसा चलान नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं बना गाड़ी के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और ना भगवान करे कभी ऐसी कोई चीज़ हो। सो वंस अगेन एक ही बात बोलूँगा कि अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। एंड आपकी सेफ्टी की बात है, जितने अच्छे से बाइक चलाओगे, रूल्स फॉलो करोगे, उतना सेफ रहोगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि घर पे माँ है ना, वो इंतज़ार कर रही है भाई कि मेरा बेटा शाम को आएगा और उसको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी बना के। बहुत सारे लोग नसीबदार भी होते हैं जिनको हाथ से ही माँ खिला देती है, ठीक है, उनकी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं। सो बी सेफ गाइज, मत करो ऐसी चीज़ें यार, और ना ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो, ना ऐसी कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस करो। विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच, एंड होप आप अगर थोड़ा बहुत भी समझ पाएँ इस वीडियो से, अगर दो तीन लोग भी अगर मेरी बातों से समझ जाएंगे ना, मेरे को बहुत खुशी होगी कि हाँ मेरा वीडियो बनाना ना सफल रहा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, और अच्छे से राइड करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई Instagram ID, it's TFS Ride without any underscore. Okay, only you have to write TFS RIDE, right? TFS Ride. So you can subscribe this channel, and आपको बहुत सारी informative videos मिलती रहेंगी। Okay, bye bye, take care.